एक बार प्यारी प्यारी जबान से आपके गुड मॉर्निंग बोलो, गुड आफ्टरनून सॉरी, लंबी गहरी सांसें लो और एक बत्तीसी दिखाओ। यस, शाबाश मेरे राजा बेटा। अपन अकाउंट्स कर रहे थे और कल मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कुछ शब्दों के साथ, और मैंने कहा था कि शब्दों के मायने होते हैं, अगर वो शब्द को गलत तरीके से यूज किया तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं कुछ पूछूं क्या, परचेस क्या होता है? वाह वेरी गुड बेटा, परचेस क्या होता है? नहीं नहीं, वो बैलेंस बता रहे हो, बट वो क्या होता है? गुड्स। गुड्स मतलब जिसमें आप व्यवसाय बिजनेस धंधा कर रहे हो, है ना, उसको माल भी बोलते हैं। सो परचेस इज गुड्स। सेल्स भी किसका होता है? गुड्स का। परचेस रिटर्न गुड्स का, सेल्स रिटर्न गुड्स का। परचेस को कौन सा बैलेंस? सेल्स को। परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, पक्का ये बैलेंस याद रहेंगे? यस। फिर डेटर्स क्या होता है? जिससे पैसा आना है। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको पैसा देना है। डेटर को कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिटर को क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? एक्सपेंसेस जुड़े हुए दो आइटम, एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मींस व्हाट, जो पेमेंट करना बाकी है, और प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या, जिसका पेमेंट एडवांस में हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और प्रीपेड एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, लवली पीपल? उसके बाद में हम एक स्टेप और आगे गए और मैंने आपको समझाया इनकम, इनकम को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। इनकम से जुड़े हुए दो आइटम होता है, एक होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक होता है अक्रूड इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। और अक्रूड इनकम को? डेबिट बैलेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। सो राजा बेटा, यहां तक हम आ गए थे। और कुछ मैंने, एक कैश को कौन सा बैलेंस रहेगा? कैपिटल को? ड्रॉइंग्स को? डेबिट। ड्रॉइंग्स मतलब क्या? जब ओनर अपनी जरूरतों के लिए, पर्सनल जरूरतों के लिए पैसे निकालता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। ये शब्दों समझ में आए, उसको बोलेंगे ड्रॉइंग्स। अच्छा, अभी कुछ बच्चों ने एक और बात समझनी चाहिए कि अकाउंट्स में नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर मतलब किसी अकाउंट हेड का नाम, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे क्रेडिटर को हम कई बार शब्द यूज करते हैं ट्रेड पेएबल, लोन के लिए हम शब्द यूज करते हैं बोरोइंग्स, राइट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए हम शब्द यूज कर सकते हैं एक्सपेंसेस पेएबल, राइट, इनकम रिसीवेबल को हम वर्ड और एक यूज कर सकते हैं अक्रूड इनकम, जैसे मैंने कल अक्रूड इनकम बताया ना, उसको और एक नाम क्या लिख सकते हैं? इनकम रिसीवेबल। तो शब्द चेंज होते हैं बट उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जो असेट है वो असेट रहेगा, जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी रहेगा। ये अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा। आज जो दिमाग में डालने की कोशिश की कि नाम के चेंज हो जाने से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज द आइटम इज राइट आइटम, इज दैट ओके? ओके। अब आज मैं आपको सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस दूंगा एक चीज का, और फिर हम एक टॉपिक उठाएंगे हमारे अकाउंट्स का और उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। आर वी रेडी? पक्का? तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि असेट जो होती है ना, वो दो टाइप की होती है। असेट जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक को हम कहेंगे नॉन करंट असेट और एक को हम कहेंगे करंट असेट। जो नॉन करंट असेट है उसके अंदर भी उसकी वैरायटी होती है, उसमें से मैं आज चर्चा करूंगा फिक्स्ड असेट के बारे में। फिक्स्ड असेट का मतलब ये होता है कि वो कैपिटल गुड्स होते हैं, वो बेचने के लिए नहीं बनाए जाते या उसको रियलाइज करने के लिए नहीं बनाया जाता, उनको हम यूज करते रहते कंटिन्यूअसली। जैसे हमने ये बेंचेस क्यों बनवाई? बेचने के लिए, बोलो हाँ। मतलब लोग यहां पर आते और पूछते ये बेंच कितने की है सर? नहीं, ये बेंचेस क्यों बनाई हमने? यूज करने के लिए। ये हमारी असेट है, बट ये असेट हम कितने समय तक यूज करेंगे? मोर देन वन ईयर। मतलब कोई भी चीज जो हम बेचने के लिए नहीं एक्वायर करते या जिसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए हम एक्वायर नहीं करते, उसको यूज करने के लिए एक्वायर करते हैं, तो उसको हम नाम दे सकते हैं फिक्स्ड असेट, विच इज यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल से ज्यादा के लिए प्रयोग होगा, एग्रीड। और हम उसको बेचने के लिए नहीं एक्वायर, ऑफकोर्स हम उसको बेचते हैं कभी ना कभी, बट बेचने के एंगल से एक्वायर नहीं किया गया। जैसे हम परचेस करते, क्यों परचेस करते हैं? सेल के लिए। बट हम फिक्स्ड असेट बाय करते हैं तो सेल के लिए नहीं, हम किसके लिए? यूज के लिए। बोलो हाँ। तो मुझे बताओ ये जो क्लासरूम है ये हमने क्यों बाय किया? यूज करने के लिए। तो ये क्या होगा? फिक्स्ड असेट। बट ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं क्या जो इसको बेचने के लिए एक्वायर नहीं करते, इसको सेल करने के लिए एक्वायर करेंगे, तो उसके लिए वो फिक्स्ड असेट नहीं होगा, उसके लिए क्या होगा? करंट असेट। जैसे मारुति सुजुकी के लिए
मारुति सुजुकी नहीं, सुजुकी बोलेंगे अभी, उनके लिए कार क्या है? स्टॉक, क्योंकि वो क्यों एक्वायर करते? बेचने के लिए, वो करंट असेट है। बट मेरे लिए कार क्या है? क्योंकि मैं उसको बेचने के लिए एक्वायर करता हूं क्या? नहीं। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। सो दैट वाज ऑल अबाउट फिक्स्ड असेट। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग मोर। फिक्स्ड असेट को एक लेवल, एक स्टेप आगे क्रॉस करूं, लेट मी आस्क यू सम मोर डिटेल्स। फिक्स्ड असेट क्लियर हुआ? फिक्स्ड असेट अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या उसके वजह से उसकी वैल्यू कम होती जाती है क्या? देखो ये फिक्स्ड असेट है, इस फिक्स्ड असेट की एसी की वैल्यू कम हो रही है क्या? वो जो वैल्यू कम होती है वो किसके वजह से हो रही है? यूज के वजह से। तुम जहां पर बैठे हो उसको फील कर कर देखो, बेंच। हाँ, सो जो बेंच है तुम बैठने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है कि नहीं हो रही है? तेरे बैठने से नहीं हो रही होगी, बट बाकी के बैठने से हो रही है। एग्रीड? तो जो बेंचेस पर बैठे हैं उनके बैठने से उसकी वैल्यू कम हो रही है। उस वैल्यू कम होने को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। सो फिक्स्ड एसेट के ताल्लुकात में मैंने आज और एक शब्द आपको समझाया, उसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, सो लिखे भाई एक बार, फिक्स्ड एसेट लिखिए। फिक्स्ड एसेट्स आर एक्वायर्ड, फिक्स्ड एसेट्स आर असेट्स एक्वायर्ड, fixed assets are the assets acquired, right? Fixed assets are acquired not for sale, not for sale, not for sale in ordinary course of business, are acquired not for sale in ordinary course of business. आगे क्या लिखोगे? Second point, they are used for more than one accounting period, they are used for more than one accounting period, मतलब एक साल से ज्यादा यूज किया जाता है, they are used for more than one accounting period, लिखा, they are used for more than one accounting period, next, नेक्स्ट लिखो, दे आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सप्लाइंग सर्विसेस, फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सप्लाइंग सर्विसेस। जैसे मैं इसको क्यों यूज कर रहा हूं, बेंचेस को? फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेस, सप्लाइंग सर्विसेस। तुम जब किसी सलून में जाते हो या हॉस्पिटल में जाते हो तो ऑपरेशन थिएटर में लगने वाली सारी चीजें, दे आर फॉर सप्लाइंग सर्विसेज और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। और अगर तुम टाटा मोटर्स में चले जाओगे या मारुति में चले जाओगे या फिर आप सैमसंग में चले जाओगे तो वहां पर जो कोई भी चीजें, मशीनरी आप देखोगे, वो किसके लिए यूज कर रही है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो उनको कई बार नाम दिया जाता है कैपिटल असेट भी। सो ये होती है फिक्स्ड असेट। एग्जाम्पल लिखिए बिल्डिंग, एग्जाम्पल लिखिए बिल्डिंग, मशीनरी, बिल्डिंग मशीनरी, बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, फर्नीचर, लैंड एक्सेट्रा। ठीक है, आगे लिखते हैं साहेब, आगे लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड। कहां लेके जाता रहे डब्बे को? नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ठीक है। और आगे, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट, 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 रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट by usage is called as depreciation, is called as depreciation. ठीक है, is called as what? Depreciation. समझ में आया? आगे लिखे, depreciation is an expense.
डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस. एक अंदर की बात पूछू क्या, डेप्रिसिएशन को कौन सा बैलेंस होगा? कॉमन सेंस. अभी आपको समझ में आने लग गया ना, क्योंकि एक्सपेंस को मैंने कौन सा बैलेंस सिखाया? डेबिट. तो अगर मैं ये समझा दूं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो उसको कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट. पॉइंट इज क्लियर? यस. अभी नेक्स्ट आइटम लिखिए. नेक्स्ट आइटम लिखने के पहले मैं आपको बता दूं, एक पप्पू था, पप्पू ठीक है, तो उनके पास एक बिल्डिंग थी सर, उस बिल्डिंग की रेट थी 1 लाख. उन्होंने उस बिल्डिंग को बेचा. अब बिल्डिंग को डेबिट बैलेंस होता है, पता है हाँ या नहीं? सो ये डेबिट साइड होती है लेजर में, मैंने बताया हाँ नहीं, ये डेबिट साइड है. अब उस बिल्डिंग को उसने बेचा तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट. तो उस पप्पू ने बिल्डिंग को बेचा क्रेडिट में, मतलब क्रेडिट साइड में उसको क्रेडिट कर दिया. कितने में? 94,000. पप्पू बहुत खुश था. वाई? पप्पू वॉज वेरी हैप्पी. वाई? क्या चुप रहे पोपटे? अच्छा तो पप्पू का तुमको कैसे समझ में आएगा? तुम पप्पू नहीं हो ना. तो पप्पू मम्मी को जाके क्या बोला? मम्मी 1 लाख की असेट थी, 94,000 में बेची. मम्मा 6,000 का बिल्डिंग अभी भी बचा है अपने पास. बचा है क्या 6,000 का? तुमने किया क्या है? 1 लाख का माल, 1 लाख की चीज 94,000 में बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस. अभी के लिए डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं है. मान लो ये स्टॉक है, तो 1 लाख का स्टॉक 94,000 में बेच दिया तो क्या हुआ है? लॉस. इसीलिए लॉस ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती. प्रॉफिट लॉस गेन ये कोई ट्रांजैक्शन थोड़ी नहीं, ये तो एक इवेंट है, आउटकम है कि तुमने ऐसा किया और उसका रिजल्ट ये हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट इसको रिकॉर्ड करना पड़ता है. सो द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड परचेस प्राइस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट और लॉस. इफ द फिगर इज पॉजिटिव, दैट इज सेल माइनस एक्सपेंस, सेल माइनस परचेस इज एन व्हाट? पॉजिटिव फिगर. देन इट इज व्हाट? प्रॉफिट. और आई कैन से इट एज व्हाट? गेन. सो गेन इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, सेल ट्रांजेक्शन है. देखो मैं ये मोबाइल बेचूं, ये ट्रांजेक्शन है. ये मोबाइल बेचने के बाद में मुझे हो प्रॉफिट या लॉस, ये इवेंट है, आउटकम है. आओ समझता है का मैं क्या बोलते हुए थे? क्या बोल लो सांगा बगू? ये मैं बेचूं, ये क्या है? ट्रांजेक्शन. ये एक्टिवली इन्वॉल्व होकर कर रहा हूं, मैं धंधा कर रहा हूं, एक्टिवली इन्वॉल्व. ये क्या है? ट्रांजेक्शन. बट उसको बेचने के बाद में मुझे हो प्रॉफिट, ये क्या है? इवेंट, आउटकम है. बोलो हाँ तारा रारा. सगळ्यांना कळतंय का? मुझे नहीं समझा, बताओ. मैंने बेचा वो क्या है? हाँ वो ट्रांजेक्शन है. और हाँ, और बेचने के बाद में जो बच गया वो क्या है? प्रॉफिट और लॉस. वो क्या है? इवेंट, आउटकम. सो बेटा जी मुझे आपको बताना पड़ेगा कि अगर मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूं इस आउटकम को, तो मेरा अकाउंट टैली नहीं होगा. तो मुझे गेन और लॉस भी रिकॉर्ड करना होगा. तो मुझे आज आपको यह भी बताना होगा कि गेन लॉस को क्या बैलेंस होता है. सो तुम कॉमन सेंस लगा के बताओ, प्रॉफिट को कौन सा बैलेंस होना चाहिए? बशी गैजन गाओ पर फिर ऐसे. गेन को क्रेडिट बैलेंस होता है. क्यों डेबिट बैलेंस रहेगा? इधर इधर मैंने क्या किया? ये लॉस है ना, तो लॉस स्टॉक के क्रेडिट में लिखा है, बट लॉस के कौन से साइड में लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे ना, उसको डेबिट बैलेंस होता है मां. ए नलायको जान छोड़ रही, इधर मत देखो, तुम इधर मत देखो. ए साइंस के बच्चों आंखें बंद कर लो, इसकी बातें मत सुनो. लॉस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. तो लॉस को भी कौन सा रहेगा? डेबिट. इनकम को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. तो गेन को, प्रॉफिट को कौन सा बैलेंस रहेगा? क्रेडिट. तो लिखो, लॉस इज एन इवेंट, लॉस इज एन इवेंट, लॉस इज एन इवेंट. It will have which balance? Loss is an event. It will have debit balance. Next, likho. Gain is also an event. Gain or profit is also an event. Gain or profit is also an event. Gain or profit will also have what? Is also an event. It will have which balance? Jaldi se. Credit balance. Very good. It will have credit balance. तो बेटा कुछ बड़े बड़े नाम पता चल गए आपको कि किसको क्या बैलेंस होता है. एग्रीड? अच्छा सारे क्या है आपके लिए? रूल्स. पूछना शुरू करो. चलो रेडी, वन मोर टाइम, लास्ट टाइम. सेल्स
सैलरी। अभी अगर आंसर नहीं आया भाला डाल दूंगा मैं इधर से उठा के। रेडी हो गया? मोहतरमा लिख लिया आपने? लिख लिया? सभी लोग सीधे बैठेंगे, तुम पीछे, हाथ नीचे, रीढ़ की हड्डी पूरी हवा में, और मुझे दिखना चाहिए एकदम। रोबोट्स, परचेस, सैलरी, इंटरेस्ट, क्रेडिट। अच्छा, रिसीव्ड है कि क्या है? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। बट सिर्फ इंटरेस्ट बोला तो एक्सपेंस मान के चलना, डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट पेड, डेबिट। इंटरेस्ट पेड इनकम है कि एक्सपेंस है? नलायक। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कौन सा बोला? अच्छा, तुम ऐसा नहीं बोलोगे अभी, दिल्ली और चेन्नई। दिल्ली मतलब डेबिट, चेन्नई मतलब क्रेडिट, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता डेबिट बोल रहे क्रेडिट बोल रहे। अच्छा, इंटरेस्ट पेड दिल्ली। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड चेन्नई। पक्का? डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड इज इनकम। डिविडेंड पेड दिल्ली। ओके, डेबिट गूगली। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड दिल्ली, इट इज एन एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड चेन्नई। अच्छा, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड चेन्नई। मैं वापस आकर इसको कंफ्यूज करके पूछूंगा, ठीक है? अभी सिर्फ आदत लगानी थी इसलिए। सेल्स रिटर्न, दो थे, दोनों बोल दो, चेन्नई दिल्ली, दिल्ली, ठीक है? नई दिल्ली नहीं, दिल्ली बोल, नलायक बिल्ली। हाँ, अगला, वो प्लेस नई दिल्ली। सेल्स रिटर्न हो गया। परचेस रिटर्न चेन्नई। ड्रॉइंग्स दिल्ली। कैपिटल चेन्नई। ओके, बैंक चार्जेस दिल्ली। बैंक चार्जेस इज व्हाट? एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन एफडी चेन्नई। क्रेडिट बैलेंस है, बराबर है क्या? फिक्स्ड असेट दिल्ली। डेप्रिसिएशन दिल्ली। गेन चेन्नई। लॉस एक्सपेंस। इनकम हाँ। नेक्स्ट और कौन से रह गए? उर्ली बाबा, प्रीपेड एक्सपेंस। कैसे बात करें क्या? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस चेन्नई। प्रीपेड एक्सपेंस दिल्ली। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस चेन्नई। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस चेन्नई। ये मैंने कल आपको सभी को समझाया था। से यस, एक बार वापस एक बार आंखें भर कर देख लो और फिर मुझे बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कल आप एबसेंट थे ना, सेकेंड बेंच। हाँ, तो फिर अभी घूर घूर कर मत देख, अभी शांत रहे एकदम, ऐसे है ना, चिल रहे। तुम, मेरे को टेंशन आता क्या, ऐसा क्यों दिख रहे? ठाकुर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अच्छी पत्नी मिलेगी आपको, कितना खुश होता है ना बच्चा। बट ऐसी अच्छी पत्नी होती ही नहीं है, भरोसा मान मेरा भाई, तुझे भी आ जाएगा, क्यों है? वेट कर ले थोड़े दिन और, जिंदा रहा तो बता दूंगा। अरे जेके पूछना, क्या हुआ पूछ? क्या यार जेके, ऐसा क्या करता है तू? चलो रेडी हो गया बेटा जी, शैल वी गो एट? यप, हियर आर वी। तू बता, परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, क्रेडिट, सेल्स रिटर्न, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक चार्जेस डेबिट। बैठ जा अभी, अभी लड़कियों में से किसी को उठा। यस, चश्मा तू खड़ी हो जा। मुझे एक बात बता, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम,
फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन, कैपिटल गेन, बशी घ्यायचं गावभर फिरायचं, क्रेडिट लगेच लक्षात आलं, और लॉस डेबिट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? येस. सो गेन को क्रेडिट और लॉस को डेबिट. सभी लोगों को क्लियर है? सो विद दिस माय डियर फ्रेंड आई कैन से दैट कि जितने बेसिक की जरूरत थी आपको वो हो गया है. अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लेक्चर टेक्निकली ऑफ फाउंडेशन. और यहां तक का नॉलेज अपेक्षित था कि आपको आना चाहिए, इससे ज्यादा आपको पता होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उतना बेस से पढ़ाऊंगा कि आपको समझ में आएगा. जो शुरुआत में बच्चे थे उनको लेजर अकाउंट का फॉर्मेट मैंने रफ में बताया, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बताया मैंने रफ में. अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो भी आगे पता चल जाएगा. ठीक है.